नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप किडनी और किडनी से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं रीनल डाइट एक्सपर्ट हूं और आज इस वीडियो में हम आपको आपकी किडनी के लिए 5 बेहतरीन फलों के बारे में बताएंगे। आप सभी जानते ही होंगे कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और फिट रखने के लिए आहार यानी आपका भोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फल आपको पोषक तत्व, विटामिन्स और मिनरल्स प्रदान करते हैं। यह पोषक तत्व न केवल आपको सक्रिय और फिट रखने में सहायक है, बल्कि बीमारियों से लड़ने और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। फल हम सभी की रेगुलर डाइट का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन सभी फल आपकी किडनी के लिए फायदेमंद नहीं होते, खासकर जब आप किसी भी किडनी या किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हों। तो चलिए आपकी किडनी के लिए 5 सबसे अच्छे फलों के बारे में बात करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी नोटिफिकेशंस या अपडेट मिस ना करें। पहला है एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे लाभकारी फलों में से एक है। सेब में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और वे फाइबर से भरपूर होते हैं। साथ ही सेब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिशियस होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही सेब में शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फिर भी एप्पल डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद है। सेब हमें किडनी की बीमारियाँ और कई अन्य इन्फेक्शन से बचा सकता है। हर दिन एक सेब का सेवन न केवल आपको किडनी की बीमारी से दूर रखने में मदद करता है, बल्कि किसी भी तरह की समस्या होने की संभावना को भी कम करता है। ये सभी कारण मिलकर सेब को किडनी रोगियों के लिए सबसे फायदेमंद फलों में से एक बनाते हैं। आप सेब को नियमित रूप से कई तरह से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, जैसे आप इसे जूस का सेवन कर सकते हैं या आप अपने आहार में एप्पल साइडर विनेगर को शामिल कर सकते हैं। कुछ मरीजों को जूस का सेवन करना मना होता है, तो वह मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह के जूस का सेवन ना करें। दूसरा है रेड ग्रेप्स, जो कि दिखने में भले ही छोटे होते हों, पर उनमें भारी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। रेड ग्रेप्स विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अच्छा सोर्स होते हैं। इनमें फ्लेवोनॉइड्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स खून के बहाव को सही बनाए रखने में भी मदद करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। रेड ग्रेप्स हार्ट पेशेंट और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी लाभदायक है। ये दोनों हेल्थ डिसऑर्डर्स किडनी से जुड़ी समस्या या किडनी की बीमारी को जन्म देने वाले कारण हैं। एक स्टडी के अनुसार एक कप रेड ग्रेप्स में 3 मिलीग्राम सोडियम, 30 मिलीग्राम फॉस्फोरस और लगभग 250 मिलीग्राम पोटाशियम होता है। भले ही उनमें पोटाशियम एक अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी उनके एंटीऑक्सीडेंट्स गुण उन्हें किडनी की बीमारियों के लिए अच्छा बनाते हैं। किडनी की बीमारी के एडवांस स्टेज में आपको अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही अगर आप पहले से किडनी के मरीज नहीं हैं, तो रेड ग्रेप से किडनी की समस्या होने की संभावना कम हो सकती है। पाइनएप्पल, जो कि हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, संतरे, केले, कीवी जैसे कई अन्य सब ट्रॉपिकल फलों के विपरीत पाइनएप्पल में पोटाशियम कम होता है और साथ ही काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है। पाइनएप्पल फाइबर, विटामिन सी और ब्रोमेनाइन नाम के एक एंजाइम से भरपूर होता है, जो आपके शरीर में सूजन को कम करने में काफ़ी मददगार होता है। ये न केवल आपके पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, इनफैक्ट आपके पूरे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। पाइनएप्पल के नियमित सेवन से आपकी किडनी भी स्वस्थ रहती है। इस लिस्ट में अगला फ्रूट है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी सबसे महत्वपूर्ण फलों में से एक है। यह आपकी किडनी और स्टमक के अंगों को स्वस्थ रखता है। क्रैनबेरी छोटे फल है, जिनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो यूरेटर और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। इस तरह के इन्फेक्शन किडनी की बीमारी के सबसे प्रमुख रीजन्स में से एक है। 100 ग्राम क्रैनबेरी में एक कप में केवल 2 मिलीग्राम सोडियम, 11 मिलीग्राम फॉस्फोरस एंड 80 मिलीग्राम पोटाशियम होता है। ये दोनों किडनी के रोगियों के लिए भी और जो लोग किडनी की बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए भी मददगार है। आप क्रैनबेरी को पका हुआ, ताज़ा, सूखे या जूस किसी भी रूप में ले सकते हैं। पांचवा बट नॉट द लीस्ट, पपीता। पपीता आपके पाचन तंत्र को लाभ पहुँचाने के लिए और उसे स्वस्थ रखने के लिए जाना जाता है। यह कब्ज की संभावना को कम करता है, जो कि किडनी के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी आवश्यक है। कमज़ोर पाचन तंत्र, कब्ज या पेशाब की समस्या वाले रोगियों में किडनी की बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है।
पपीता आपके लिवर, पाचन तंत्र और किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। साथ ही पपीते के बीज भी मददगार होते हैं। आप अपनी किडनी को ओवरऑल हेल्थ पर इसे पॉजिटिव इफेक्ट्स के लिए अपने रेगुलर डाइट में पपीते का एक बाउल ऐड कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप इन फलों का सेवन अपने आहार में करते हैं तो किडनी की बीमारी होने की संभावना हर गुजरते दिन के साथ समाप्त हो जाएगी। हम आपको सुझाव देते हैं स्वस्थ खाने और फिट रहने के लिए केले, एवोकाडो, सूखे बीन्स, गुआवा, आम, नट्स आदि कुछ ऐसे फल जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। हाल ही में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग किडनी की बीमारियां वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रेविलेंट हेल्थ डिसऑर्डर्स में से एक है। यदि आप एक किडनी रोगी हैं और सही उपचार की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको सुझाव देते हैं कि किडनी से जुड़ी बीमारियों के लिए आयुर्वेद सबसे अच्छा इलाज है। एलोपैथिक साइंस अभी भी अर्ली स्टेज में किडनी प्रॉब्लम के इलाज ढूंढ रही है, जबकि आयुर्वेदिक साइंस में आपकी सभी समस्याओं का एक उपाय है। आयुर्वेदा में आपकी किडनी को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। यदि आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति किडनी की बीमारी या किडनी से संबंधित किसी भी डिसऑर्डर से पीड़ित है तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर हमें संपर्क करें। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। यदि आपका कोई क्वेश्चन, सजेशन या आपके किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज एक और पेशेंट जुड़े हैं, अमीना बेगम। कहाँ के रहने वाले हैं? मुगल जरा जिला कौन सा लगता है आपका? चंदौली। चंदौली जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको? घबराहट और क्या क्या बड़ा हुआ था उस समय जी इतना, और काफी क्रेटिनाइन उस समय हाई हाई साइड पे था। कितना था क्रेटिनाइन? 9.4 के आसपास। क्या बताया था डॉक्टर ने उसमें? डायलिसिस के लिए एडवाइस कर दिया था सर। क्या बताया था? बेची बोले थे सर कि आप डायलिसिस करा लो, उसमें बात है। अच्छा, तो अभी तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है जी। और क्या क्या फ़ायदा हुआ? खुल के बताएं, थोड़ा तेज वॉल्यूम में बताएं। डॉक्टर साहब, जब मैंने जब एक उल्टी होने लगी, मैं बहुत परेशान थी तो सब। हाँ हाँ बताओ बताओ। अरे कुछ नहीं, बताओ ठीक हो आप? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बोलो। जब मैं बेचू गया तो डॉक्टर बोल दिया कि डायलिसिस करवाना है, तो मैंने डायलिसिस नहीं करवाया। मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ। तो डॉक्टर, डायलिसिस की जरूरत भी नहीं है आपको? जी डॉक्टर साहब, रिपोर्ट जो आया था वहाँ पर जी, तो ये मतलब ये बना के गए हम मर जाएंगे लेकिन डायलिसिस नहीं करवाएंगे। अच्छा, और हमने हमसे भी मतलब दूसरे लोग एडवाइस करते हैं भैया वो करवाना होता है डायलिसिस बहुत करवाना है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा पेशेंट कमजोर होने लगते हैं, इसलिए सर वो पेट नाइन जो था वो नाइन के आसपास जी। जाँच कहाँ से कराई है आपने सारी? ये सर बेच कर 8.9 क्रिएटिनिन, वाराणसी BHU की जाँच है, 8.9 क्रिएटिनिन था और बाकी सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब चल रही थी। उन्होंने कहा 2 अक्टूबर 2019 क्रिएटिनिन हो चुका 5.80, यूरिया हो चुका 150। बहुत अच्छा रिजल्ट आया उनको, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, मैंने खून पानी चढ़वाया हॉस्पिटल में, खून पानी से तो बढ़ जाता है क्रिएटिनिन, बट ये बढ़ा नहीं है आपका, कम हुआ है। 8.9 से 5.8 हो गया और बाकी सारी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट्स नजर आई है, यूरिया भी रिड्यूस हुआ है। अच्छे से उन्होंने सब चीज़ें लग के फॉलो करी, डायलिसिस से पेशेंट टोटली बाहर आ चुके हैं और साथ साथ जो फिजिकल लेवल का प्रॉब्लम थी उसको भी उन्होंने मार दिया। बहुत अच्छे रिजल्ट हुए। फिजिकली भी काफी दिक्कत हो रही थी उस समय जी। डॉक्टर साहब बताएं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बताएं कुछ। डॉक्टर साहब, चक्कर, घूमता, झुंझुनाहट, थकारी, बेचैनी, घबराहट, रात को नींद नहीं आती थी, उल्टी सर, हम डेट में चले गए थे बस। डॉक्टर साहब, किसी से बोलने को मन नहीं करता। अच्छा, अब तो ठीक लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी। स्टॉक किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा,
न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।